हेलो स्टूडेंट, इससे पहले लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है जिसके कारण से इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो निग्लिजिबल होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अगर इन अरेंजमेंट की बात करें तो क्या ये इस तरीके से अरेंज होते हैं? ये एक कंटेनर है तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो यहाँ पे ये पार्ट अगर हटा दूं तो ये भी इसी की तरीके से रिप्रेजेंट होगा, बट एक्चुअल में इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी IMF फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम होता है एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस ये निग्लिजिबल होता है। अब होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं तो अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरीके से अटैच कर दिया जाए, अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरीके से एक दूसरे से अटैच कर दिया जाए तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब होगा क्या, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन स्पेस में है तो जिस तरीके से यहाँ पे सामने हमको ये रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है इसी तरीके से ये इसके पीछे साइड भी सेम यही अरेंजमेंट हमको दिखेगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसी भी सॉलिड सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन थ्री डायमेंशन स्पेस विथ रेगुलर पैटर्न, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्री डायमेंशन स्पेस पे एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होते हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता है उसे ही लैटिस बोलते हैं। अब क्योंकि इस केस में हो क्या रहा है, सॉलिड के केस में दो टाइप के सॉलिड हम देख चुके हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस केस में हमको जिस लैटिस के बारे में पढ़ना है वो होगा क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की थ्री डायमेंशन स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट को, या जब किसी भी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्री डायमेंशन स्पेस में एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होते हैं तो उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को फर्दरली अगर डिफाइन किया जाए तो किस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि इसी सिस्टम को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इसके बैक साइड में भी होंगे, ये इस तरीके से, क्योंकि 3D सिस्टम है। हाँ, मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है,
सपोज करते ये क्रिस्टल सिस्टम है, तो इस केस में ये क्रिस्टल सिस्टम में ये जो पैटर्न है वो बार बार रेगुलरली फॉलो हो रहा है। ये एक क्रिस्टल सिस्टम को इसमें भी देख सकते हैं कि ये सॉलिड का एक स्ट्रक्चर है, तो इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये बार बार क्या हो रहा है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट हो रहा है। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की या किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलर यूनिट जिसके बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या होगी? क्रिस्टल सिस्टम की वो स्मॉलर यूनिट, क्रिस्टल सिस्टम की वो स्मॉलर यूनिट जिसके बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है उसे यूनिट सेल बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज अगर आपको एक लड्डुओं का भरा हुआ पैकेट मिल जाए, तो उस केस में कोई बोले कि इसे टेस्ट करके बताओ इसका टेस्ट कैसा, तो आप सभी लड्डू तो नहीं खाओगे, किसी एक लड्डू को टेस्ट करोगे और बताओगे कि ये अच्छा है। तो क्रिस्टल सिस्टम की जब बात करते हैं तो क्रिस्टल सिस्टम के केस में क्या होगा, हम पूरे क्रिस्टल सिस्टम की तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम की एक स्मॉलर पार्ट की स्टडी की जाती है। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का वो स्मॉलर पार्ट, क्यों? क्योंकि उसी स्मॉलर पार्ट के बार बार रिपीटेशन से ही क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिप्रेजेंट द एंटायर क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल वे है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलर पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है वो होता है यूनिट सेल। अब किसी भी कंपोनेंट या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी करनी होगी तो हम उस पूरे सिस्टम की तो स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे घर पे जो वॉल होती है वो ईंटों का कॉम्बिनेशन होती है, अगर उस वॉल को क्रिस्टल लैटिस हम लेते हैं तो वॉल की पे लगी जो ईंट होगी वो क्या होगी, उसकी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल यानी ईंट के बार बार रिपीटेशन से वॉल बनी है। इसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के यानी एक रेगुलर पैटर्न उसकी एक स्मॉलर यूनिट के बार बार रिपीटेशन करने से ही यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर हमको किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को समझना होगा तो उसके लिए हम क्या करें, उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम की तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसके एक स्मॉलर पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का वो स्मॉलर पार्ट जो कि इंटायर क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए समझने के लिए यूज की जाती है उसी को यूनिट सेल कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, यहाँ पे क्योंकि ये तो मैंने बताया था कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं पे भी तो नहीं प्रेजेंट है, एक फिक्स पोजिशन पे प्रेजेंट है। उसके एक स्मॉलर पार्ट को लेकर के आते हैं, तो अगर थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करें तो क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब उस केस में होगा क्या, यहाँ पे हमको हर एक कॉर्नर पे कुछ न कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखेंगे। ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है यूनिट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कि उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो जिस पॉइंट पे क्रिस्टल सिस्टम पे या यूनिट सेल में जिस पॉइंट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, इसे लैटिस साइट भी बोलते हैं। पॉइंट क्योंकि पॉइंट्स में प्रेजेंट है, एज अ पॉइंट हम इनको कंसीडर करें, तो पॉइंट इन द क्रिस्टल
लैटिस, पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस वेयर, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में बी प्रेजेंट, यानी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का वो पॉइंट जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके बेसिस पर यूनिट सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल तो यूनिट सेल को कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है। सो यूनिट सेल करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अब ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस को हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया है अभी तक। ये कैसा है, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। सो लेट्स सी, सपोज करते हैं ये हमारा क्यूब है। तो क्यूब में 6 फेसेस होती है, ये हम सब जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 फेसेस होती हैं। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो ये वो एरियाज है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, प्रेजेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन पॉइंट्स पे प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, क्योंकि 6 फेसेस होती हैं, तो 2 फेसेस जहां पे इंटरसेक्ट करती, यानी 2 फेसेस किसी भी यूनिट सेल में वो एरिया, वो पार्ट जहां पे 2 फेसेस आपस में क्या होती हो, ज्वाइंट होती हो, इंटरसेक्ट करती हो, उसे क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है। तो ये एरिया क्या हो गया, एज। अब क्योंकि इस कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और इस कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोला जाता है एज लेंथ। तो 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एज लेंथ। एज क्या होती है, जहां पे 2 फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये एक कॉर्नर हो गया, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये भी एक एज लेंथ है, यहाँ पे भी 2 फेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक ये हो गया क्योंकि यहाँ पे भी 2 फेसेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में होगा क्या, ये 3 डायरेक्शन 3 एक्सिस, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से एक ए एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस केस में ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे ये और ये, तो ये तीनों एक्सिस जब एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन 2 एक्सिस। तो यूनिट सेल को एज लेंथ एंड एंगल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। इस यूनिट सेल को देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1 एक्सिस हो गई, ये 2nd एक्सिस हो गई, और ये 3rd एक्सिस हो गई। इसकी एज लेंथ को मान लेते हैं ए, ये 1 एक्सिस, ये हो गई ए, बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए एंड बी के बीच के एंगल को गामा, बी एंड सी के बीच का एंगल हो गया अल्फा, एंड सी एंड ए के बीच का एंगल हो गया बीटा। एज लेंथ एंड
एंगल्स के बेसिस पर क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। एजेस क्या हो गए हमारे पास, थ्री एजेस हैं, ए पी एंड सी। एंड एंगल्स को देखें तो ए एन बी के बीच के एंगल गामा, बी एन सी के बीच के एंगल अल्फा, सी एन ए के बीच के एंगल हो गया बीटा। ये तीनों एजेस एंड इनके बीच फॉर्म होने वाले एंगल के बेसिस पर क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। और हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, इसको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, सी टी ओ एम एच आर एंड टी। सी से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बो हेड्रल एंड ट्राई क्लिनिक। क्यूबिक के केस में ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी ये तीनों एजेस एक दूसरे के इक्वल होंगी एंड इनके बीच का एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इक्वल टू ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल के केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल बिटवीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये तीनों एजेस एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। जस्ट लाइक बुक, बुक्स भी क्या होती हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, कोई भी एजेस एक दूसरे के बराबर नहीं होता। बट इनके बीच के एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक के केस में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा एंड अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल के केस में ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल केस में ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल बिटवीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट दे आर ऑल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक के केस में एच नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड एंगल बिटवीन अल्फा इज एंड एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो डिफरेंट एज लेंथ एंड एंगल्स के बेसिस पर ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है।